शेखुपुरा अली कैंपस फारूकाबाद में महफिले नाब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने की। महफिले नाब में मारूफ समाजी शख्सियत समेत उस्ताद अकराम और तलबा तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तालबात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए, जबकि अख्तर इकबाल डार ने शुरके महफिले नाब से खिताब करते हुए कहा कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर ईमान नामुकम्मल है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानी जिंदगी की रूह है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को शख्सी गुलामी और दुनिया को कुफ्र अलहाद के अंधेरों से निजात दिलाई। नई नस्ल को चाहिए कि सीरत तैयबा का दिल जमे से मुतालिया करें और अपनी जिंदगी को पैगम्बरों अमन और सलामती के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ढालने की सदके दिल से सही करें। उन्होंने कहा कि इस्लाम की अकानियत पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। इस्लाम की भर्ती मकबूलियत और गैर इस्लामी रियासतों के वासियों का इस्लाम की तरफ बढ़ना रुझान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात का वसीला है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुबारक कायनात में अमन आतशी और बाहमी एहतराम का दरस देती हैं और इस्लामी तालीमात आलमी अमन की कुंजी हैं। इस्लाम बकाए महमी का दीन है, जो तमाम मजहब के पैरोकारों की मजहबी आज़ादी और उनके हकूक का जामिन है। इस्लाम ने इंसानियत की खिदमत और आदमियत के एहतराम का जरूरत दरस दिया और उस पर अमल करना आज अक्वामे आलम की अव्वलिन जिम्मेदारी है। आखिर में मुल्की इस्लाम की तरक्की की खसूसी दुआ की गई। तलबा और तालबात समेत तमाम शुरका में नियाज भी तकसीम की गई।